हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमितन इशू ब्लॉग्स। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसी 10 एक्सेसरीज जो आपके लिए डेली लाइफ में तो यूजफुल होंगी होंगी और जब आप अपना लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। मैं आपको उसके प्राइसेस बताऊंगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बताऊंगा और उसका ईज ऑफ यूज़ भी आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, कीप वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, नंबर 10 पे है एक बहुत ज़रूरी एक्सेसरी जो कि है वेब कैम। वेब कैम कार में होना बहुत ज़रूरी है और मैंने अपनी डेली ट्रिप से पहले एक प्रोकस एरिस का एक वेबकैम खरीदा था अमेज़ॉन से। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने इसका प्राइस कम देख के इसको सिलेक्ट किया। इसका प्राइस था 2,949 रुपीज़ और इसके साथ मुझे एक अलग से एसडी कार्ड भी खरीदना पड़ा जो कि मैंने इसमें इंसर्ट किया। बट थ्रू आउट द ट्रिप मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा था, ऑन करके रखा था पावर के साथ, बट इसका कुछ आउटपुट हुआ नहीं। कई इनफैक्ट सिचुएशंस थी जब उसके बाद जब मैं दोबारा गया कैमरा के अंदर अपनी जो उसकी रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए तो नहीं थी। तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये जो प्रोडक्ट है ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की इसकी क्वालिटी है और कम से कम मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट यूज़फुल नहीं था। दिस इज़ नॉट ए रिकमेंडेड प्रोडक्ट। आई रिकमेंड यू टू रियली इन्वेस्ट ऑन ए नाइस वेबकैम। नंबर 9 पे आता है ये एक ब्रांड बेसोस का आईपैड माउंट है। इसको इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। इसको आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको पुल करके अपना आईपैड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को मैंने ख़रीदा था 1,799 रुपीज़ में और मैं इससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। इससे पहले मैंने एक पीट्रॉन का एक प्रोडक्ट ख़रीदा था जो कि था 400 रुपीज़ का, बट उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी तो वो मैंने अमेज़ॉन के ऊपर रिटर्न कर दिया। नंबर 8 पे आता है ये गीगी जी ब्रांड का एक आर्म रेस्ट। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी में ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इनोवा में फिक्स नहीं होता। मे भी किसी और कार में शायद फिक्स हो जाता हो, और जैसे ही हम आप इसको प्लेस करते हैं इसके दो बैंड्स के साथ ये आगे की तरफ गिरता रहता है। तो आप इसकी देख सकते हैं इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। आप इसके बैंड्स को यहाँ पर इंस्टॉल करके लगा सकते हैं और भले आप इसको थोड़ा पीछे की तरफ भी पुश कर सकते हैं, फिर भी आप देखिए इसकी प्लेसमेंट क्या है। एक स्लो पे प्लेसमेंट अगर अपना हाथ आप रखेंगे इसके ऊपर तो ये नीचे स्लिप होता रहेगा। इनफैक्ट ये पूरा पिलो इस तरीके से नीचे स्लिप होता रहता है। तो प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए, बट समहाउ मे बी फॉर इनोवा इट्स नॉट अ राइट प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, नंबर 7 पे आता है ऑल एक्सट्रीम गियर क्लच लॉक। तो ये दो पार्ट्स में था, इसके साथ एक लॉक भी था, वो मुझे पता नहीं कहाँ चला गया। और इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो ये मैंने इस चीज़ को सोच के लिया था कि अगर मैं इतना ज़्यादा इतना दूर तक ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि मुझे किस कंडीशन के अंदर कार को अपनी पार्क करना पड़ेगा। एज ए एडिशनल सेफ्टी मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था। इसको आप इस तरीके से इंस्टॉल करके नीचे से लॉक कर सकते हो, बट इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान नहीं है। और ऑनेस्टली थ्रू आउट मैंने अपनी कार को होटल्स में पार्क किया था जहाँ पे सिक्योर पार्किंग थी और मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो आप इसका डिसीजन भी नीड के साथ ले सकते हैं। एज़ फार एज़ क्वालिटी इज़ कंसर्न ये काफ़ी सॉलिड है और ईजी टू यूज़ तो मैं इसको नहीं बोलूँगा। इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी आपको टाइम लगता है और काफ़ी नीचे झुक के इसको करना पड़ता है इस ऑपरेशन को, तो एक अनदर 5 मिनट्स आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए चाहिए। फ्रेंड्स, नंबर 6 पे आते हैं ये फ्रेमलेस रियर व्यू मिरर पीसेस। तो आपको पता है कि इनोवा GX में रिवर्स कैमरा नहीं आता है, तो मैंने इनको इंस्टॉल किया था। इनकी कीमत थी 399 रुपये। 399 रुपये में इसके दो पीसेस आए थे और आई थिंक इट्स वर्थ एटलीस्ट। कई सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे आपको अपने व्हील को देखना है या और ज़्यादा बड़ा व्यू चाहिए, रियर व्यू चाहिए, तो उस केस में काफ़ी हैंडी आते हैं। इट इज़ अ रिकमेंडेड एक्सेसरी एट द प्राइस ऑफ 399 रुपीज़। नंबर 5 पे आते हैं डैशबोर्ड माउंट्स। मेरे पास दो माउंट्स हैं इस वक्त। ये है हाइकर का डैशबोर्ड माउंट जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। और एक है मेरे पास स्काई विक का डैशबोर्ड माउंट जिसकी क्वालिटी इनफैक्ट क्वालिटी फिनिश काफ़ी अच्छी है। इसका प्राइस है 399 रुपीज़ और स्काई विक के माउंट का प्राइस है 999 रुपीज़। तो मैंने पहले इसको परचेज़ किया था बट फिर भी मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताता हूँ। हाइकर के डैशबोर्ड माउंट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मुझे अपना फोन इंस्टॉल करना है तो एक पीछे से इनको प्रेस करने के बाद इसको ओपन करके एडजस्टमेंट करने पड़ते थे कई बार, फिर उसके बाद अपना फ़ोन इंस्टॉल करना होता था, फिर उसके बाद इसको लॉक करना होता था। और दूसरा रीज़न ये था कि आपको पता है कि हम साथ में ब्लॉग्स भी बनाते हैं कई बार, सामने का ड्राइव करते वक्त सामने का रोड का व्यू भी लेते हैं, तो उस वक्त क्या था कि फ़ोन का कैमरा
इसके ऊपर सही से स्टेबल नहीं होता था और इसके जो एजेस थे वो कैमरा के अंदर आते थे, बट एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। इसके बाद है स्काई विंग, या इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसके पीछे इसकी ब्रांडिंग भी देख सकते हैं और इसके इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। फ़ोन के पीछे मैंने एक मेटल का पीस पेस्ट किया हुआ है जिसके साथ मैं फ़ोन को इसके ऊपर बहुत आसानी से कर सकता हूँ। इसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और फ़ोन थ्रू आउट स्टेबल रहता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे हमारे ट्रैवल व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि जब हम कार के सामने का व्यू कवर करते हैं तो उस टाइम पे मैंने किसी को यूज़ किया। इट्स ए हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट गाइस। हाइकर का प्रोडक्ट भी बुरा नहीं है पर आप देख सकते हैं, अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, बट स्काई विक इज़ ए रिकमेंडेड प्रोडक्ट। नंबर 4 पे आती है हमारी एक्सेसरी एलेक्सा। तो एलेक्सा बहुत ही यूज़फुल एक्सेसरी है और इसको जब मैंने ख़रीदा था 2900 रुपीज़ के लिए ख़रीदा था, बट अमेज़ॉन के ऑफर्स में आप इसको ले सकते हैं जब इसके प्राइसेस काफ़ी कम होते हैं। इसका जो MRP है वो है 4500 आई बिलीव। तो मैंने इसका जो माउंट आता है उसको कट करके इसकी मैग्नेट को इधर पेस्ट किया था जिससे मैं इसको काफ़ी आसानी से यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। थ्रू आउट द ट्रिप काफ़ी यूज़फुल रहा और इसको केवल मैं नहीं, कार में बैठे हुए सभी लोग इसको यूज़ कर पा रहे थे। तो इट इज़ ए हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट गाइस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बाय इट। नंबर 3 पे आती है ये ब्रांड R4 रैबिट की चेक इन जिल कार सीट, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी इसका प्राइस था कुछ अप्रॉक्सीमेटली 11,900 रुपीज़। एक पॉइंट और था इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि कार में केवल 3 एयरबैग्स हैं, साइड कर्टन एयरबैग्स नहीं है। तो अगर आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपको अगर 12,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करके कुछ एडिशनल सेफ्टी मिल जाती है तो वाई नॉट। इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि आप इसका हेडरेस्ट की हाइट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि इसको थोड़े बड़े बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से स्लाइड भी करके थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। एक रीज़न और है इस प्रोडक्ट के एक्सपेंसिव होने का, इससे मिलती जुलती कार सीट आप 6,000 रुपये में भी ख़रीद सकते हैं, बट इसके महंगे होने का एक कारण है जो मैं आपको बता दूँ। ये एक आइसोफिक्स कार सीट है। आइसोफिक्स कार सीट में ये जो लीवर है ये एक्सटेंड हो जाता है। कार सीट में इसके लिए एक अलग स्पेस दिया होता है और आप इसको इसे बहुत आसानी से आप कार के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसके ऊपर कोई भी बेल्ट नहीं लगाई है फिर भी ये सीट नीचे से स्टेबल हो गई है। तो इन केस ऑफ इम्पैक्ट ये आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट ऑनेस्टली ओवर ऑल ट्रिप पे जो इसका यूज़ हुआ, किड्स इसके ऊपर बैठे, वो करीब 25% टाइम था। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर आपको लगता है कि आपके बच्चे इसको अगर यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसके ऊपर नहीं बैठने वाले हैं, तो उस केस में आप इसको बिल्कुल भी अपने साथ कैरी ना करें, क्योंकि आप इसको अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं और इसको अपनी कार के अंदर रख के लेके जा रहे हैं तो पूरे एक पैसेंजर का स्पेस लेने वाली है। एज़ फार एज़ प्रोडक्ट इज़ कंसर्न, इट्स अ वेरी नाइस बिल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। इट्स अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट स्पेशली फॉर हाईवे ड्राइव्स फॉर किड्स सेफ्टी। ऑन फ्रेंड्स, नंबर 2 रिकमेंडेड है ये टूसा का टायर इन्फ्लेटर, और ये आपको बहुत ज़रूरी है अपनी कार के अंदर रखना। इट इज़ ए हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट गाइस। इस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत सारी ऐसी ओकेजन्स हुई, दिन था, रात था, सुबह बहुत जल्दी थी सिचुएशन, जब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था एक पेट्रोल पम्प ढूंढने का जहाँ पे जाके मैं अपने टायर इन्फ्लेट करा सकता था। इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका प्राइस है 2899। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप इसके अंदर जो आपको PSI प्रेशर चाहिए वो आप सेट करके इसको ऑन कर दीजिए तो ये टायर इन्फ्लेट करके अलार्म दे देता है साथ में, और साथ में अगर आपने इसको रात में भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइट भी दी हुई है। गाइस, इट्स नॉट ए एक्सेसरी, इट्स नॉट ए कम्फर्ट, इट इज़ फॉर सेफ्टी, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और इनकेस आपकी कार पंक्चर हो जाती है या कोई भी आप कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन होती है उसमें आप इसे यूज़ करके अपने टायर को इन्फ्लेट करके आप इस किसी भी सेफ जगह पे पहुंच सकते हैं। गाइस, दिस इज़ ए मस्ट हैव एक्सेसरी। और ये है हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को आप आंख बंद करके खरीद लीजिए, ये है टायर प्रेशर मॉनिटर। अगर आप हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, इनफैक्ट जो टायर का टेम्परेचर है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है, कई बार टायर का प्रेशर भी होता है वो भी 42-43 तक भी पहुँच जाता है, जो कि एक सेफ़ नहीं है उस कंडीशन में ड्राइव करना। आप इसमें एक रेंज सेटअप कर सकते हैं, जब भी आपका टायर प्रेशर उस रेंज से बाहर जाएगा ये आपको बीप करके अलार्म देगा। और इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है कि जो टायर के साथ जो ये डिफॉल्ट कैप आती है उसको इसके साथ, इसकी एक जो कैप है कैप के साथ इसको आपको रिप्लेस करना है।
और बस इसके साथ साथ ये आपको एडिटिंग यहाँ पे दिखाने लगेगा। इस प्रोडक्ट को मैं ऑलरेडी एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी क्वालिटी का इशू नहीं है। बिल्ड क्वालिटी मैं बोलूँ तो इसकी बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक नहीं है, पर जिस जॉब के लिए इसको खरीदा था, आई थिंक आई बॉट इट फॉर 2000 रुपीज़, जिस जॉब के लिए इसको खरीदा था, ये जॉब उसको बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। इधर आप देख सकते हैं ये टायर की टायर प्रेशर है, उसके साथ साथ टायर का टेम्परेचर भी है। गाइज, इट्स नॉट अबाउट कम्फर्ट, इट्स अबाउट सेफ्टी, इट्स ए मस्ट हैव एक्सेसरी। आप डैशबोर्ड पे रख सकते हैं और ये सनलाइट से अपने आप चार्ज होता रहता है, सो किसी केयर की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी मत लो, बट इसको ज़रूर अपनी कार में इंस्टॉल करो, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर इनोवा, बीट एनी कार, यू हैव टू हैव दिस। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 एक्सेसरीज ऑलरेडी बता दी हैं, पर उसके बाद भी दो बोनस एक्सेसरीज हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक एंकर का चार्जर है, यूएसबी चार्जर है, और इसको मैंने ख़रीदा था अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपये में, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी। इसमें यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट लिट हो जाती है जो कि रात को काफ़ी अच्छी लगती है, और एक तीन ऑप्शंस हैं जिसके लिए, एक को मैं एलेक्सा के लिए यूज़ करता हूँ, और एक को मैं यूज़ करता हूँ अपने डैश कैम के लिए, और एक एडिशनल है अगर किसी को अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो उसके लिए। जो लास्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो ये, आप देख सकते हैं इसके ऊपर इन्फोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर मैंने एक फिल्म को इंस्टॉल किया है, इसकी कीमत थी 399 रुपीज़। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो इट्स अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट गाइस। ये ना तो आपको सेफ्टी देगा ना आपको कंफर्ट देगा, बट ये आपकी इन्फोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन को इंटैक्ट रखेगा, उसको स्क्रैचेस से बचाएगा, सो इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड एट ए प्राइस ऑफ 399। सो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन हमारी 10 एक्सेसरीज का। ये छोटी छोटी एक्सेसरीज हमारे ट्रिप को कंफर्टेबल, सेफ बनाती हैं और हमारा काफ़ी टाइम भी बचाती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।